वकूफ ऐन उस वक्त जायरीन के अम्बू से एक शोर उठा, हाजिर हूँ ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे हजूर हाजिर हूँ। सारा मैदान लब्बैक के नारों से गूंज उठा। वो सब मगरिब की तरफ रुख किए खड़े थे और सूरज की तरफ देख रहे थे जो तेजी से उफक की जानिब गिरता जा रहा था। जूं जूं वो सब लब्बैक पढ़ते जा रहे थे, उनके जोश व खरोश में इजाफा होता जा रहा था, जज्बा जवार भाटा बनता जा रहा था। वो अपने हाथों को भूल चुके थे, तस्बीहें उनके हाथों में यूं लटक रही थी जैसे बेजान हो चुकी हों। वो सफ़ेद पत्थर को भूल चुके थे, वो पत्थर जो हद से लेके अब तक उनकी निगाहों का मरकज बना रहा था, वो पत्थर जिसे वो अमली तौर पर ना सही लेकिन जहनी तौर पर सजदे करते रहे थे, वो पत्थर अब इतनी बड़ी भीड़ में अकेला खड़ा था, अकेला तन्हा। जज्बात का तलातुम बढ़ता जा रहा था, चारों तरफ छींटे उड़ रहे थे, तकदीस भरे छींटे, एहतराम के फवारे उछल रहे थे। इस बढ़ते जोश व फरोश की वजह से जायरीन पर दीवानगी का आलम तारी होता जा रहा था, ऐसी दीवानगी जिस पर लाखों फरजंगियाँ कुर्बान की जा सकती हैं।